कहते हैं कि जब ईश्वर रूठा हुआ हो और उसे खुश करना हो तो संगीत का सहारा लिया जा सकता है। ऐसे में कलाकारों ने सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर हम सबको कोरोना से मुक्ति दिलाए और पहले की तरह जिंदगी में रंग भर दे। इसके बाद कलाकारों ने कोविड अस्पताल में संगीत का तराना छेड़ा और एक से बढ़कर एक गीत गाए। इस दौरान अस्पताल के वार्डों की खिड़कियां खोल दी गई ताकि मरीजों के कानों तक संगीत की आवाज पहुंच सके। संगीत शो के दौरान तमाम तीमारदार और स्टाफ से जुड़े लोग अस्पताल में जहां तहां खड़े हो गए और संगीत का आनंद लेकर अपना स्ट्रेस कम किया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने कोविड अस्पताल में संगीत शो करके न केवल कोरोना संक्रमितों और उसके तीमारदारों का हौसला बढ़ाया बल्कि अस्पताल के स्टाफ को सैल्यूट कर उनके काम की तारीफ भी की। आपको बता दें कि कलाकारों ने कोविड अस्पताल में कार्यक्रम करने के लिए बरेली डीएम से लिखित अनुमति ली थी और हम धन्यवाद देते हैं कि सबने हमारे को परमिशन दी हम यहाँ पर आने पाए। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। आइए कुछ देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी दुआ में चलेंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी अपनी आंखों को बंद करिए, हाथों को जोड़िए और इन सारी चीजों से दूर होके सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने उस परमेश्वर को याद करिए जिसने आपको रचा है। जिसने ये कार्यक्रम स्थानीय कलाकार विनीत मेसी के सौजन्य से हुआ। विनीत की पत्नी नीति ने अपनी सुरीली आवाज में गीत गाए और उनके एक बेटे ने गिटार बजाया और दूसरे बेटे ने बोर्ड बजाया। कार्यक्रम के दौरान सीएमएस डॉक्टर वागीश वैश्य के साथ कोविड अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के बाद सभी ने कोविड अस्पताल में मौजूद लोगों का स्ट्रेस कम करने के लिए कलाकारों के हौसलों की तारीफ की। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए बरेली से दीपक कुमार की रिपोर्ट।